हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी पाठशाला। आज हम सिलॉगिज्म पार्ट टू करेंगे। इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको वेन डायग्राम्स से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बताया था। आज हम क्या करेंगे, ईदर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यही केसेज हैं जिससे कि आप एग्जाम में फंस जाते हो। ओके, तो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, और अगर नहीं किया फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस पार्ट से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि ये पार्ट पिछले पार्ट का ही कॉन्टिन्यूएशन है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको नो का केस फिर से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक में नो का केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और पिछले पार्ट में भी कुछ फ्रेंड्स को ये समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं आज उनको फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नो का केस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे एक वेन डायग्राम से ज़्यादा डायग्राम्स बनते हैं, यहाँ पे दो तीन केसेस बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कह रहा है कि सम ए आर बी। ओके फ्रेंड्स, सम ए आर बी, फिर कह रहा है ऑल सी आर बी, कि सारा का सारा जो सी है वो क्या है, बी है, और नो बी इज डी, और बी और डी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए वेन डायग्राम बन गया। क्या कह रहा था कि सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, ऑल सी आर बी, सारा का सारा सी जो है वो बी है, और बी और डी में कोई भी संबंध नहीं है, नो बी आर डी। तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम। देखिए, पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि बी और डी में कोई भी संबंध नहीं बन सकता। ओके, अब देखिए जो सी है, क्योंकि सी बी का ही एक हिस्सा है, तो सी और डी में भी कोई भी संबंध नहीं बनेगा। फाइन, क्योंकि सी जो है वो बी का ही हिस्सा है ना, बी के अंदर है, तो बी का कोई भी हिस्सा डी से संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि सी भी बी का ही एक हिस्सा है, तो सी भी डी से कोई भी संबंध नहीं बना पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, अब जो ये हिस्सा है ए और बी के कॉमन जो हिस्सा है, ये भी डी से कोई संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि इस हिस्से में क्या है, बी का राज है ना, और क्वेश्चन कह रहा है कि बी का कोई भी हिस्सा डी से संबंध नहीं रखता, तो ये हिस्सा भी बी डी से कोई संबंध नहीं रखेगा। लेकिन बाकी बचा जो हिस्सा ए का है, ये तो डी से संबंध बना सकता है ना, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक केस और क्या बन सकता है कि देखिए, ये है ए, ठीक, ये है बी, सी बी का ही हिस्सा है, और ये देखिए, ये रहा डी, और डी और बी में कोई भी संबंध नहीं है। बन सकता है ना फ्रेंड्स ये ऐसा फिगर भी। ठीक है, तो ऐसा क्यों बना, देखिए मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, जिन वेरिएबल्स के बीच में क्रॉस साइन आ गया, तो उनके बीच में तो रिलेशनशिप नहीं बन सकती, ये तो आप मान लीजिए। और लेकिन जिन वेरिएबल्स के बीच में क्रॉस साइन नहीं है, जैसे ए और डी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और डी आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं। बस यही आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कंक्लूजन कहता है कि नो सी इज डी, तो ये कैसा कंक्लूजन है, बिल्कुल सही कंक्लूजन है। क्यों, क्योंकि सी बी का ही हिस्सा है, और बी और डी में कोई संबंध नहीं है, तो सी और डी में भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन यदि क्वेश्चन कहे कि नो ए इज डी, है ना, तो देखिए पहले फिगर में तो ए और डी में कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे, लेकिन एक्चुअली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे केस में देखिए ए और डी में संबंध आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो वेन डायग्राम पॉसिबल थे। और याद रखिए फ्रेंड्स, यदि किसी एक केस में भी फिगर गलत हो गया, मतलब यदि किसी एक केस में भी कोई भी कंडीशन गलत हो गई, तो क्या होगा, कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन में हमारी ये कंडीशन फेल हो गई ना, नो ए इज डी वाली, तो क्या हुआ, हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। तो यही बात का हमें सिर्फ ध्यान रखना होता है। तो आपको समझ में आ गई बात, मैं एक निष्कर्ष बता देता हूँ कि जिन वेरिएबल्स के बीच में क्रॉस का साइन लगा होगा, उनके बीच में कभी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, लेकिन जिन वेरिएबल्स के बीच में क्रॉस साइन नहीं लगा होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप बन सकता है। बस इसी बात को आप याद रखिए। तो चलिए आज का केस हम शुरू करते हैं। तो ईदर और केस हम डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटी में मैंने आपको ईदर और केस कराया था, वैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इधर और के लिए हमारे पास तीन कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला क्या है कि जो दोनों कंक्लूजन हैं वो कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, दोनों कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
ठीक है, अगर पहले कंक्लूजन में ए और बी है मान लीजिए, तो दूसरे में भी ए और बी ही होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का, देखिए मैं बता देता हूँ। ऑल और सम, ये वाले जो कंक्लूजन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे लिखा है ऑल ए इज़ बी, तो मतलब ये कैसी कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम ए आर बी, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन से हो गए, जहाँ नो आ गया, नो सम नॉट, ये कैसे हैं, नेगेटिव कंक्लूजन होते हैं। तो इस तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ऑल या सम होना चाहिए उस कंक्लूजन में, और दूसरा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब दूसरे में नो या सम नॉट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो इधर और केस कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो कौन सा केस बन जाता है, नाइदर नॉर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गई तो केस किसका बन जाएगा, नाइदर नॉर। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। स्टेटमेंट लिखा है सम पर्ल्स आर जेम्स, कि कुछ पर्ल्स जो हैं, मैं फिगर बनाता हूँ, कि कुछ पर्ल्स जो हैं वो क्या हैं, जेम्स है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ऑल जेम्स आर डायमंड्स, कि सारे के सारे जेम्स कैसे हैं, डायमंड है। ये देखिए ये भी बन गया। फिर देखिए आ गया नो, नो डायमंड इज स्टोन। अब डायमंड और स्टोन के बीच में कोई भी संबंध या रिलेशनशिप नहीं है। और क्या कह रहा है, सम स्टोन्स आर कोरल्स, और सम स्टोन्स कैसे हैं, कोरल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। क्योंकि नो आया है इस केस में तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्टोन्स आर पर्ल्स, कुछ स्टोन्स पर्ल्स हैं। देखिए स्टोन ये रहा, पर्ल्स ये रहा, अभी आपको इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, इस कंक्लूजन को गलत कर देंगे। संबंध बना सकते हैं हम, है ना, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर सपोज किसी क्वेश्चन के तीन फिगर पॉसिबल हैं, और अगर किसी एक फिगर में भी क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब किसी एक फिगर में भी आपकी जो कंडीशन है फॉल्स हो गई, तो आप कंक्लूजन सीधा गलत कर दोगे। तो देखिए इसमें तो फॉल्स ही दिख रही है ना, क्योंकि स्टोन और पर्ल में कोई भी संबंध नहीं है, तो ये कैसी हो गई, गलत हो गई। अब दूसरा देखिए, नो स्टोन इज पर्ल, नो स्टोन इज पर्ल, अभी आपको ट्रू दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि देखिए स्टोन और पर्ल में कोई क्रॉस तो नहीं बना हुआ ना, जैसे डी और एस में बना हुआ है, ऐसा कहीं एस और पी के बीच में कोई क्रॉस है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एस और पी में संबंध हो सकता है। ठीक है, तो एक वेन डायग्राम और पॉसिबल हो जाएगा जिसमें एस कहाँ आ जाएगा, पी के साथ कुछ हिस्सा शेयर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो स्टोन इज पर्ल, ये कंडीशन कैसी हो गई, गलत हो गई। फाइन, समझ में आया ना कि नो स्टोन इज पर्ल कंडीशन क्यों गलत हो गई, क्योंकि हम स्टोन और पर्ल को जोड़ सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, ये है आपका जेम्स, ये है आपका डायमंड, ठीक, ये था कौन, पर्ल। अब यह बना लीजिए, देखिए ऐसे करके क्या बना लेंगे, स्टोन, और स्टोन और डायमंड में कोई भी संबंध नहीं है, और ये आपका आ गया कोरल। तो देखिए फिगर बन सकता है ना, स्टोन और पर्ल में देखिए आ गया संबंध, कॉमन हिस्सा आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन गलत हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों कंडीशन गलत हैं, पहला आपका पॉइंट प्रूव हो गया कि दोनों कंडीशन गलत होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, देखिए पहले में स्टोन और पर्ल्स की बात कर रहा है, दूसरे में भी स्टोन और पर्ल्स की बात हो रही है, मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो हो गई। फिर तीसरा कह रहा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, देखिए फर्स्ट में सम का यूज़ किया गया है, और मैंने क्या बताया था सम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो देखिए एक पॉजिटिव और दूसरे में नो, ये कैसा होता है, नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, आइदर स्टेटमेंट वन और टू, तो आइदर वन और टू फॉलोस। तो देखा फ्रेंड्स, समझ में आया आपको कैसे किया हमने आइदर और का केस, कुछ भी नहीं था, जैसा हमने इनइक्वालिटी में डिस्कस किया था वैसा ही है, बस आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन चाहिए था। अब आपको मुझे लग रहा है कि नो का कंडीशन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो हम थोड़े से आगे जब बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब हम पॉसिबिलिटी वाले केसेस डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होते हैं, तो प्लीज़ आप अपना माइंड खोल के बैठिएगा, क्योंकि मैं आज आपको सारे केसेस डिस्कस कर दूंगा, और इसके बाद आपको पॉसिबिलिटी वाले केसेस में कोई भी अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए
शुरू करते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी केस पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये पॉसिबिलिटी केस है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में कैन बी या पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज़ किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कहेगा जैसे एग्जांपल ए कैन बी बी, ए कैन बी बी, या ए इज बी, ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको कंक्लूजन दिखेगा तो आप वहाँ से पहचान जाओगे कि ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि पॉसिबिलिटी वाले जो केसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व हो सकते हैं और किसी मेथड से इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बताया था ना पिछले पार्ट में कि जो बिना वेन डायग्राम वाला मेथड है वो कई जगह फेल हो जाता है, तो वो यहीं फेल हो जाता है। तो आप बताइए अगर आपको कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन दिए हुए हैं, सपोज दो तो पॉसिबिलिटी वाला नहीं है लेकिन तीसरा पॉसिबिलिटी वाला है, तो आप दो तो बिना वेन डायग्राम के सॉल्व कर लोगे लेकिन तीसरे के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको अभी तक वो मेथड नहीं बताया, क्योंकि अगर आपको वेन डायग्राम बनाना ही है तो दो बार टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले ऑल वाला केस डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको सारी कंडीशंस केस के फॉर्म में करवा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब होता क्या है, संभावना। तो आपको दो चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि पहला कि जिसके अंदर पॉसिबिलिटी का यूज़ किया गया, मतलब जिस कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी का यूज़ किया गया है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल कहता है कि ऑल ए बीइंग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा ए जो है वो बी हो सकता है। तो देखिए ए और बी की बात हो रही है तो आपको ये देखना है कि ए और बी में कहीं कोई रिलेशनशिप दिया तो नहीं हुआ, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और अगर ए और बी में कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया है तो वहाँ संभावना देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है तो वहाँ पर संभावना कोई मतलब नहीं बनता। तो पहला आपको ये देखना है कि वहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिया हो, और दूसरा आपको ये देखना है कि जो भी आपका कंक्लूजन हो उसको आपको सही करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या करना है, जो कंक्लूजन दिया है उसको सही करने की कोशिश करनी है। अपने वेन डायग्राम में देखिएगा कि क्या वो कंक्लूजन सही हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो पॉसिबिलिटी का केस सही हो जाएगा वरना गलत। तो बस आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको इनको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ऑल केस एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कह रहा है, ऑल ए आर बी और दूसरा कहता है ऑल बी आर सी। मैंने आपके लिए वेन डायग्राम पहले ही बना दिया है। तो देखिए ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब देखिए कंक्लूजन कैसे निकल सकता है, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएं, बाहर से अंदर की ओर जाएं, मतलब सी से बी की ओर और बी से ए की ओर, तब क्या होगा, तब हमारे ऑल वाले और सम नॉट वाले कंक्लूजन ही सही होंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर कहे ऑल सी बींग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारा का सारा सी जो है वो बी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए वहाँ ऑल का यूज़ आ गया ना, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा ये देख लीजिए, अभी सी और बी में क्या है, सारा का सारा बी सी है लेकिन कुछ पोर्शन सी का जो है वो बी नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि सी बड़ा है बाहर है और बी अंदर है, तो ये पोर्शन जो है सी का वो बी नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है या कंक्लूजन कह रहा है कि सारा का सारा सी बी हो सकता है, तो देखिए इस पोर्शन में और बी में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को बी के अंदर ला सकते हैं ना, क्योंकि इसके बीच में कोई क्रॉस का साइन नहीं है। क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा ना कि सी बी नहीं हो सकता। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संभावना हो सकती है, तो ऑल सही हो जाएगा। ऐसी सम नॉट भी सही हो जाएगा, अगर कहे सम सी नॉट, सम सी आर नॉट बी, या सम सी नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ सी बी नहीं हो सकता, ये कहे तो भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि सी का ये जो पोर्शन है वो बिला फिलहाल बी तो नहीं है, नहीं है ना, लेकिन वो बी हो सकता है, हो सकता है, जैसा हमने पहले देखा। और सम नॉट का मतलब क्या होता है, कि कुछ हिस्सा सी बी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकती है ना, क्योंकि अगर मैं इसमें क्रॉस लगा दूँ इस पोर्शन ऑफ बी में तो ये पोर्शन कभी बी नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑल और सम नॉट दोनों कंडीशन सही होंगे, बाकी सब क्या होंगे, गलत। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि ऑल और सम नॉट फॉलो करेंगे जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। अब इसका उल्टा, अगर हम अंदर से बाहर आएंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। ठीक है, देख लीजिए अगर मैं कहूँ कि ए ऑल, ऑल नहीं, सपोज हाँ चलो ऑल ले लेते हैं, ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी।
ठीक, अगर कंक्लूजन आपका ये है कि ऑल ए इज सी, ये पॉसिबिलिटी है, तो देखिए जो ए है वो सारा का सारा ए बी का हिस्सा है और बी सी का हिस्सा है, तो मतलब सारा का सारा जो ए है वो सी का भी तो हिस्सा है ना, ये तो हमें पता है कि ऑल ए सी इज, ठीक। अब ये कह रहे इज अ पॉसिबिलिटी, अरे ये तो ट्रू है ना कि ऑल ए इज सी, ये तो ट्रू है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट गिवन है हमारे स्टेटमेंट में कि ऑल ए इज बी और बी सी, तो इससे क्या पता चलता है कि सारा का सारा जो ए है वो सी है। अब जो चीज़ है उसकी संभावना कैसे हो सकती है ना, जैसे एग्जाम्पल कहूँ, ऐसे कहूँ मेरा नाम राहुल है, ठीक है, और फिर मैं कहूँ मेरा नाम राहुल है, ये संभावना हो सकती है। अरे भाई मेरा नाम राहुल है ना ऑलरेडी, संभावना कैसे हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, समझ में आया। तो जो स्टेटमेंट है उसको हम कभी गलत नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए जब अंदर से बाहर आएंगे, मतलब जब छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की ओर आएंगे, तो वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। समझ में आया फ्रेंड्स, बस आपको ये दो बातों का ध्यान रखना है। चलिए सम के केस पर चलते हैं। तो कह रहा है सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये हमने फिगर बना दिया। तो देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, जब ए और बी को देखेंगे, मतलब जब कंक्लूजन ए और बी की बात करेगा, तो वहां पे सिर्फ ऑल और सम नॉट वाला कंक्लूजन ही सही होगा। मतलब अगर कंक्लूजन कहे ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी या सम ए इज नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि मैंने अभी पहले ही समझाया ऑल ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी सारा का सारा ए बी नहीं है जैसा कि हम देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ संभावना हो सकती है। फाइन, ऐसी जब बी और सी को देखेंगे तब भी ऑल और सम नॉट की ही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सही होगी, बाकी सबकी गलत हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबकी गलत क्यों हो जाएगी, जैसे मैंने कहा नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ए आर बी, देखिए स्टेटमेंट जो है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, स्टेटमेंट ने कह दिया कि सम ए आर बी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, इसको हम गलत नहीं कर सकते। और कंक्लूजन अगर कहे नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ए बी नहीं है, ये तो हम स्टेटमेंट के विपरीत चले गए ना। और मैंने क्या कहा था, आपको कंक्लूजन सही करने की कोशिश करनी है, तो अगर हम नो ए इज बी को सही करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी स्टेटमेंट है सम ए आर बी ये गलत हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। तो बस इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको बस ये याद रखना है कि जब ए और बी को कंपेयर करेंगे तो ऑल और सम नॉट वाला ही पॉसिबिलिटी केस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ऐसी बी और सी में भी ऑल और सम नॉट, लेकिन जब सी और ए को कंपेयर करेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी वाले केसेस बन जाएंगे। अब सारी पॉसिबिलिटी वाले केसेस का मतलब ऑल भी चलेगा, नो भी चलेगा, सम भी चलेगा, सम नॉट भी चलेगा, सारे के सारे चलेंगे। मतलब अगर कहे ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी सही, नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी सही, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी सही, और सम ए इज नॉट सी, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी चलेगा, क्योंकि ए और सी में अभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो सारी रिलेशनशिप बन सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया ऑल और सम का केस। तो बस आपको जो बातें मैंने कही हैं उन्हीं का ध्यान रखना है, तो बस आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नो का केस पे आते हैं, तीसरा केस नो का। क्या कह रहा है, नो ए आर बी, नो बी आर सी, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया। अब देखिए फ्रेंड्स किस बात का ध्यान रखना है, देखिए ए और बी में कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, तो मतलब पॉसिबिलिटी का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ए और बी में क्रॉस लगा है, तो चाहे पॉसिबिलिटी हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी बी और सी में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि बी और सी में क्रॉस है, क्रॉस का मतलब बी और सी में कभी भी कोई भी संबंध बन ही नहीं सकता, तो चाहे पॉसिबिलिटी करिए चाहे ना करिए वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, होने की संभावना, लेकिन क्वेश्चन ही कह रहा है कि वहाँ क्रॉस है, तो संभावना तो हो ही नहीं सकती। ठीक, फिर बचा ए और सी, देखिए ए और सी में कोई भी क्रॉस का साइन नहीं है, तो ए और सी में सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मतलब अगर क्वेश्चन कहे ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ सही है, नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी सही है, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, वो भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए और सी में सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। फिर सम नॉट का केस देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम नॉट का केस। अब वो क्यों, क्योंकि आपको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपको एरो डायग्राम याद करना होता है। ठीक, ये देखिए
ये मैंने आपके लिए फिगर बना दिया, सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट सी। ठीक, अब देखिए कंक्लूजन कैसे निकलेगा। अब हम अगर ए और बी को कंपेयर करना है तो देखिए, जब हम ए से बी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ए से बी, तो पॉसिबिलिटी में सिर्फ नो और सम ही चलेगा, बाकी कोई नहीं। मतलब अगर कहे नो ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी तो ठीक, सम ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी वो भी ठीक, सिर्फ पॉसिबिलिटी में ये दोनों ही चलेंगे और कोई नहीं चलेगा। यदि कहे ऑल ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। फाइन, तो अगर ऑल ए बी हो गया तो जो ये वाला हिस्सा है जो हमने क्रॉस किया है वो भी बी हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट के हम अगेंस्ट चले गए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नो और सम बस आपको यही याद रखना है, जब हम ए और बी को कंपेयर करेंगे तो नो और सम ही चलेगा। ऐसे जब बी और सी को कंपेयर करेंगे, ये एरो डायग्राम याद रखिए फ्रेंड्स, कि हम बी को सी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक, तो क्या चलेगा, नो चलेगा और सम चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ठीक, अब ए और सी क्योंकि दूर दूर हैं, इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज चलेंगी। तो जब हम ए और सी को कंपेयर करेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब उल्टा, अगर हम बी को ए से कंपेयर करें, देखिए स्टेटमेंट है कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा गया ना कि बी का कोई हिस्सा ए नहीं है, ये तो नहीं कहा गया, ये कहा गया ना कि ए का हिस्सा बी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन ए पे लगाया गया है, कंडीशन ए पे लगाई गई है। तो जब हम बी को ए से कंपेयर करेंगे तो लाइक सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब बी को ए से कंपेयर करेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। अगर क्वेश्चन कहे कि ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगा, नो बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी तो वो भी सही हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इसमें आपको एरो डायग्राम याद रखना है कि किसको किससे कंपेयर करना है, बस आपको वो याद रखना और कुछ नहीं। ऐसे जब सी और बी को कंपेयर करेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी लगेंगी, क्योंकि बी पे कंडीशन है, बी का हिस्सा सी नहीं हो सकता, लेकिन सी तो बी हो सकता है ना फ्रेंड्स। ठीक, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एरो डायग्राम आपको बस याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको नहीं आ रहा है, और फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तभी तक मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए कि जितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। अब मैं कॉम्बिनेशन केस भी ले लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो मिक्स्ड फॉर्म का आता है। चलिए ऑल प्लस नो का केस ले लेते हैं, कि ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। ये केस मैं आपको ऑलरेडी पार्ट वन और अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि बी और सी में क्रॉस है, तो बी और सी में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ठीक, और क्योंकि ए बी का ही हिस्सा है तो ए और सी में भी क्या होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक, कि क्रॉस आ गया उनके बीच में, फाइन, तो ये किसी भी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। चलिए अब सम और नो का देख लेते हैं। कह रहा है सम ए आर बी एंड नो बी आर सी। तो देखिए बी और सी में तो क्रॉस लग गया, तो यहाँ तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनने वाली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस है। अब देखिए सी और ए को जब कंपेयर करेंगे, सी को ए से कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी सर एरो डायग्राम याद रखिएगा। बस आप एक चीज़ याद कर लीजिए, सम और नॉट, जहाँ सम नो या सम नॉट आ गया वहाँ आपको एरो डायग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब क्या कह रहा हूँ कि सी को ए से कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटीज फॉलो करेंगी, तो ऑल पॉसिबिलिटीज विल फॉलो। ऐसा क्यों, क्योंकि सी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सी हमारा आज़ाद है, सी ए से संबंध बना सकता है। ठीक, तो जब संबंध बना सकता है तो हर टाइप का संबंध बना सकता है, तो सारी पॉसिबिलिटी फॉलो करेंगी। ठीक है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स जब हम ए को सी से कंपेयर करेंगे, ये याद रखिएगा, जब हम ए को सी से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी पाबंदियां हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ए का ये हिस्सा बी के साथ जुड़ा हुआ है और ये हिस्सा सी नहीं बन सकता, क्योंकि बी और सी क्रॉस कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी, नो की बनेगी और सम की बनेगी, बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी। कब, जब हम ए को सी से कंपेयर करेंगे, मतलब यदि क्वेश्चन कहे नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगा, सम ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन यदि क्वेश्चन कहे ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी तो गलत, है ना, सम ए इज नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी तो वो भी गलत। ठीक, तो बस अब याद रखिए नो और सम की पॉसिबिलिटी बनेगी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आई होप आपको अब सारे कंडीशंस क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बताया, सेकंड पार्ट में अभी मैंने आपको इधर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस डिस्कस कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी केस बचा है और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए, ठीक। बस मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट कर लीजिए, और सम नॉट और सम नो के केस में आपको सिर्फ एरो डायग्राम चेक करना है कि किसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बस आपको इसी चीज का याद रखना है। एक बार ये वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा और वो जो मेन पॉइंट्स उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो के एंड पे आ पहुँचे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है और अच्छा लगा होगा। सिलोगिज्म में बता दूं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 से 5 मार्क्स का ये आता है, और ये 4 से 5 मार्क्स आप विद इन 2 to 3 मिनट्स अचीव कर सकते हो बहुत ईजिली। बस सारा खेल वेन डायग्राम का है। एक बार आपने वेन डायग्राम सीख लिया और एक बार आप सारे कंडीशंस को समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा फ्रेंड्स, ये आप बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको आज का टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या मेरे फेसबुक पेज पर बैंकिंग विद राहुल शोरी, उसमें आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मेरे को कमेंट्स मिलते रहते हैं तो मैं आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फेसबुक पे क्या होता है कि जब मैं वीडियो चलाऊंगा तभी आपके कमेंट मैं देख सकता हूँ। यदि आप कोई कमेंट करते हो तो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन फेसबुक पेज पर मुझे कमेंट तुरंत मिल जाता है, इसलिए मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी दे सकता हूँ। तो आई होप आप फेसबुक पेज से जुड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, और दूसरे स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछेंगे या डाउट पूछेंगे वो भी आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको और अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और जो डाउट आता है मुझसे पूछिए। एक पार्ट में और लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको और थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके बाद आजकल जो नया पैटर्न है रिवर्स सिलोगिज्म, मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है। बस मेरे वीडियोस आप देखते रहिए और उनको फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।